हेलो गाइस वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा दिस इज़ और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग गाइस आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के आर बी असिस्टेंट के स्मार्ट कीड़ा का जो फ्री मॉक दे रखा होता है हम लोग उसके थर्टी फाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी आपका जो एग्ज़ाम ये आने वाला है आर बी असिस्टेंट इसके इसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे थर्टी फाइव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं पेन पेपर लेकर और बाद में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से आप बना पा रहे हैं क्या स्कोर आपका हो रहा है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बता दूं करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको सेलिमीटर मिल जाएगा इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है चलिए आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर पहला हमें दे रखा है एक पजल देख पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली इन द स्कूल एक स्कूल में सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी सात अलग टाइप की एक्टिविटी होती है मेहंदी कुकिंग डांस सिंगिंग कराटे ड्राइंग एंड डूडलिंग ठीक है नॉट इन द सेम ऑर्डर टेक प्लेस ऑन द सेवन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मंडे से संडे ये हमारे सात दिन सात एक्टिविटी हमें ये सेट करनी है चलो बना लेते हैं सबसे पहले हम क्या बना लेंगे यहाँ पर अपना वीकडेज बना लेंगे मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक तो मंडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है उसके बाद हमें क्या दे रखा है स्टार्ट कर यहाँ पे है कुकिंग क्लासेस इज हेल्ड बिफोर वेंसडे कुकिंग क्लास जो है वेंसडे से पहले होती है दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया जो कुकिंग क्लास होगी वो कब कब होगी मंडे या ट्यूसडे होगी दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं दोनों को बना लेते हैं तो हम पहले मैंने माना कि कुकिंग क्लास uh, जो है वो ट्यूजडे को हो रही है हो सकता है या पॉसिबिलिटी ये है कि वो मंडे को हो ठीक है मैंने दोनों साथ में बना लिए फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डांस क्लासेज हेल्ड नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड बिफोर द डांस क्लास डांस क्लास से पहले और डांस क्लास के बाद जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो सेम है इसका मतलब कंफर्म है कि जो डांस क्लास है वो बिल्कुल बीच में होगी बीच में कौन सा आता है तीन दिन पहले तीन दिन बाद में इट मीज थर्सडे तो जो डांस क्लास है वो थर्सडे को होनी है एक बात कन्फर्म हो गई दोनों में मैंने डांस क्लास थर्सडे लिख दिया फिर लिखा हुआ है द कराटे क्लासेज हेल्ड ऑन अ वीकेंड जो कराटे क्लास है वो वीकेंड पर होनी है अब वीकेंड कोई भी हो सकता है या तो सैटरडे होगा या फिर संडे होगा दोनों में से कोई भी हो सकता है ठीक है फिर लिखा हुआ है डूडलिंग क्लासेस ना इधर ऑन सैटरडे नॉन वेस्डे अब डूडलिंग क्लास जो है वो ना तो यहाँ पर होती है डूडलिंग क्लास ना ही सैटरडे को होती है डूडलिंग क्लास ठीक है फिर लिखा हुआ था सिंगिंग क्लासेज है इमिडेटली आफ्टर डांस डांस के तुरंत बाद कौन सी क्लास होती है सिंगिंग क्लास होती है सिंगिंग क्लास कब है इसका मतलब फ्राइडे को हो गई फिर लिखा है फोर क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन द क्लास मेहंदी एंड कराटे ठीक है और एक हमने जो यहाँ पे छोड़ा था वो क्या था कि जो कराटे क्लास थी वो लास्ट में होने थी दो दिन किसी दिन देखो अगर मैं यहाँ पे कराटे क्लास लूंगी तो वन टू थ्री फोर मेहंदी यहाँ पर आ नहीं पाएगा नहीं मेहंदी हो जाएगा यहाँ पे अगर मैंने कराटे क्लास लिया तो वन टू थ्री फोर मेहंदी यहाँ हो जाएगा इट मीन यहाँ कराटे क्लास इसके हिसाब से तो यहाँ पर होनी है कराटे क्लास कराटे ये हुई तो मेहंदी कहाँ हो गई हमारी फर्स्ट डे हो गई मेहंदी ठीक है उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो यहाँ पर ये यह है तो कराटे हमने यहाँ पर लिया संडे को कराटे क्लास तो वन टू थ्री फोर का गैप मेहंदी क्लास ये आ गई ठीक है तो आप देखो अब अब यहाँ पर जो सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर डूडलिंग रखने के लिए हम पे यहाँ बचा यहां। और स्पेस यहाँ और यहाँ दोनों तो जगह मना करा गया डूडलिंग नहीं आनी है इसमें ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई इसमें आप देखो डूडलिंग यहाँ नहीं आनी यहाँ नहीं आनी लेकिन डूडलिंग यहाँ पर आ सकती है तो डूडलिंग कहाँ रख देंगे हम संडे रख देंगे और हमारे पास कौन सी क्लास बची है ड्रॉइंग की ड्रॉइंग हमने वेंसडे को रख दिया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब आ जाती है इसी क्वेश्चन पर क्या कहा गया है कि हाउ मेनी क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन डूडलिंग एंड मेहंदी डूडलिंग और मेहंदी के बीच में कितनी क्लासेस है देखो मेहंदी मंडे को हो रही है और डूडलिंग कहाँ हो रही है लास्ट तो वन टू थ्री फोर फाइव डेट मीन्स ऑप्शन डी नेक्स्ट पे आ जाते हैं ट्यूजडे को कौन सी क्लास होती है ट्यूजडे को कौन सी होती है कुकिंग क्लास होती है डैट मीन्स ऑप्शन सी कराटे से पहले कितनी क्लासेस होती हैं कराटे से पहले वन टू थ्री फोर फाइव डैट मीन्स फाइव है नहीं इट मीन्स नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा उसके बाद बोला गया है सिंगिंग क्लास कब होती है सिंगिंग क्लास देखो कब होती है फ्राइडे को होती है डैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन करेक्ट है थर्सडे रूडलिंग नहीं फ्राइडे कुकिंग नो ट्यूजडे ड्राॅइंग नो मेहंदी मंडे हाँ ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर उसके बाद क्या दे रखा है हमको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ये देखना है हमने क्या बना लेना है डायरेक्शन बना लेना है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ देखो क्या बोला गया है डी के साउथ में ई e है ठीक है हमने डी बनाया इसके साउथ में कितना दो मीटर दो मीटर हमने बनाया क्या बना लिया ई e पॉइंट बना लिया ठीक है फिर बोला गया है अब देखो हमें केवल डी और ई पता है तो डी और ई को भी मैच करता हुआ कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहाँ पे डी और ई के बारे में कुछ दे रखा हो आगे देखो तो ये दे रखा है कि पॉइंट ई कहाँ पर है एफ़ के वेस्ट में है पाँच मीटर ई ये है तो वेस्ट ये हो जाएगा पाँच ई क्या आ जाएगा एफ़ आ जाएगा अब और कोई दे रखा है हाँ देखो एफ़ के नॉर्थ में जी है दो मीटर तो दो इसकी इक्वल इक्वली आएगा दो एफ के नॉर्थ में क्या जी है ठीक है ये बना लिया हमने उसके बाद क्या दे रखा है देखो ये डी इज इन द ईस्ट ऑफ सी कितना चार तो सी यहाँ होगा इसका ये चार हमने बनाया ये क्या हो गया चार ईस्ट में ये भी हो गया फिर लिखा हुआ है कि जो आ, देखो देर इज अ मिडल पॉइंट बिटवीन ई एंड एच ई और एच के बीच में एक मिडल पॉइंट है जो कि एच है जो आई के दो मीटर नॉर्थ में है इस मीन्स आई इसके नीचे होगा आई तभी इसके ऊपर दो नॉर्थ में जाएगा और ये एच जो है वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है ये पॉइंट भी हो गया अब क्या बचा केवल एक ये बचा कि जो आ, ए, ये भी बचा हुआ है कि सी के बी जो है वो सी के नॉर्थ में है सी ये है तो बी कहाँ आ जाएगा हमारा ये दो मीटर B और फिर A और B का दे रखा है कि A के A जो है वो B के वेस्ट में है तो A ये हो जाएगा बी का वेस्ट यही आएगा इधर ए ये आगे कितना है फोर मीटर है तो हमने बना लिया फोर मीटर तो ये हमने पूरा पढ़ा और इसको हमने बना लिया अब आ जाते हैं अच्छी क्वेश्चन पर क्या दे रखा है पूछा गया है पॉइंट सी कहाँ पर है पॉइंट एफ के रिगार्डिंग एफ़ देखो एफ ये रहा और सी ये है तो कैसे डायरेक्शन बन रही है इस टाइप से मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिर दे रखा है ई और एच का टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है ई और एच के बीच में ई e और एच पे आ जाओ देखो ई e ये है और एच ये है देखो हमको बोला गया था कि जो ये पूरा कितना है फाइव है ठीक है फाइव एच व मिडिल पॉइंट पर है इट मीन्स कितना होगा पाँच का आधा इट मीन्स टू पॉइंट फाइव डेट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फाइन नेक्स्ट पे आ जाते हैं पूछा गया ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए और सी देखो ए ये है ठीक है सी पॉइंट ये है हमें क्या निकालना है इसका ये वाला पॉइंट पार्ट निकालना है लगा तो पाइथागोरस थ्योरम और फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन और टू का स्क्वायर होता है फोर अंडर रूड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूड ट्वेंटी आंसर आ जाएगा डैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर अंडर रूड ट्वेंटी फाइनली हम लोगों ने एट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अब हमारे पास क्या ज्यादा रखा है इस लॉक से क्वेश्चन रखे हैं स्टार्ट करते हैं लिखा हुआ है ऑल टेबल्स आर चेयर सारे टेबल्स चेयर हैं ओनली अ फ्यू चेयर्स आर पेन कुछ चेयर्स जो हैं वो पेन हैं कुछ हैं कुछ नहीं है क्रॉस कर दिया कंक्लूजन पढ़ते हैं नो चेयर इज टेबल कोई भी चेयर टेबल नहीं है ये तो, तो रॉन्ग है सम टेबल्स आर चेयर क्या कुछ नो चेयर इज टेबल नो चेयर इज टेबल रॉन्ग हो गया ठीक है सम टेबल्स आर चेयर क्या कुछ टेबल्स चेयर है टेबल्स आर चेयर हाँ ये सही है कुछ टेबल चेयर है डेट मीन्स ओनली सेकेंड फॉलो इट मीन्स क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फिर पूछा गया नेक्स्ट में ऑल मनी सारी मनी क्या है रुपीज हैं नो रुपीज इस कोई भी रुपीज कॉइन नहीं है फिर कहा गया ओनली अ फ्यू कॉइंस आर नोट्स कुछ कॉइंस क्या है नोट्स हैं कुछ हैं कुछ नहीं है तो हमें क्रॉस भी करना पड़ेगा कंक्लूजन वन नो मनी इस कॉइन कोई भी मनी कॉइन नहीं है हाँ बिल्कुल ठीक है जब जब सारी मनी रुपीज़ है रुपीस कोई भी कॉइन नहीं है और तो मनी रुपीज़ के अंदर आ रही है तो इसका मतलब मनी भी कॉइन नहीं होगी ये बिल्कुल ठीक है फिर पूछा गया ऑल नोट्स कैन नेवर बी रुपीस सारे नोट्स रुपीस नहीं हो सकते बिल्कुल ठीक है सारे रुपीस नहीं क्योंकि जो रुपीस कॉइन के अंदर आ गए वो तो कभी जो नोट्स सॉरी जो नोट्स कॉइन के अंदर आ गए वो तो कभी रुपीस होंगे ही नहीं क्योंकि ये तो ये तो कॉइन तो है ही नहीं रुपीस इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है टेस्ट में हमारे यहाँ पर दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ई बोथ वन और टू फॉलोस फाइन नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट कहा गया ओनली कैट इज़ फिश जब ओनली होता है तो हम उल्टा बना देते हैं ऑल फिश इज़ कैट लेकिन क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये बस इसमें जाएगा ये चीज़ ये जो सर्कल है वो बाहर मूव नहीं करेगा फिर क्या है सम कैट इज़ गोल्ड एंड सम गोल्ड इज़ टाइगर फिर है सम फिश इज़ नॉट गोल्ड देखो ये तो ठीक है कुछ फिश गोल्ड नहीं है क्योंकि जब गोल्ड जब जो फिश है वो कैट ही है केवल उसके अलावा कुछ नहीं है तो वो गोल्ड भी नहीं होंगे बिल्कुल ठीक है फिर कहा गया नो टाइगर इज़ फिश कोई भी टाइगर फिश नहीं ये भी ठीक है क्योंकि आ, ये जो है वो इसके अंदर ही आने हैं और कोई फिश और और कोई जो फिश फिश का कोई भी पार्ट कहीं और नहीं जाना है इट मीन्स यही बिल्कुल ठीक है डेट मीन्स ऑप्शन ई बोथ कंक्लूजन वन और टू फॉलोस फाइन नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट बोला गया है ट्वेल्व ओनली अ फ्यू वायरसेस आर बैक्टीरिया केवल कुछ वायरसेस बैक्टीरिया हैं तो कुछ नहीं है कुछ है क्रॉस कर दिया ओनली अफ्यू फैक्टर आर स्पाइसिस एस लिखा हो इसे क्रॉस कर दिया फिर बोला गया नो स्पाइसिस इस पंगाई एफ नो तो बीच में हमने क्रॉस लगा दिया कंक्लूजन पढ़ते हैं नो स्पाइसिस इज वायरस नो स्पाइसिस इज वायरस क्या हमें कुछ पता है इसके बारे में नो no. तो ये गलत हो जाएगा ऑल द बैक्टीरिया कैन नेवर बी फंगाई कोई सारे बैक्टीरिया जो हैं सो सारे बैक्टीरिया हैं वो फंगई नहीं हो सकती बिल्कुल ठीक है जो फैक्ट्रियाँ इसके अंदर आ गए वो यहाँ तो पहुँचेंगे नहीं इट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है डेट मीन्स केवल सेकेंड फॉलो कर रहा है हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे ओनली बी बी मीन्स ओनली सेकेंड फॉलो ये आपको बहुत ध्यान से एग्जाम में टिक करना है क्योंकि कभी कभी हमें ये आगे पीछे दे रखा होता है ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड वाला तो आप याद कर लो कि सेकेंड बी है फर्स्ट वाले पे ए है नहीं ये आगे पीछे होते हैं आपको ध्यान से चेक करके टिक करना है फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या लिखा हुआ है इसमें एक हमें वर्ड दे रखा है एक्सक्लूड बताना है कि अल्फाबेट सीरीज में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितने पेयर्स बन रहे हैं सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे एक्सक्लूड फिर लिखेंगे फाइव इसकी प्लेस वैल्यू ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी वन डी की फोर ई e की फाइव गिनने स्टार्ट करेंगे पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कोई भी नहीं है चौबीस से बड़ा तो कोई है ही नहीं तो होगा नहीं तीन चार पाँच एक मिल गया हमें चार पाँच छः सात बारह तेरह चौदह पंद्रह तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस बाईस तेईस चौबीस दूसरा भी मिल गया चार पाँच छः सात आठ नौ पाँच चार और पाँच तीन पाँच छ सात आठ नौ दस हमें कितने पेयर मिल गए तीन डेट मीन्स ऑप्शन डी बिलविथ द राइट आंसर थ्री पेयर्स हैं यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट हमको दे रखा है सिटिंग अरेंजमेंट आठ फ्रेंड्स हैं एट फ्रेंड्स है, अनुज अनूप अजय अनामिका अमृता दिशा युविका एंड तनेश का ये टेबल चार के चारों तरफ बैठे सर्कुलर टेबल के एंड फेस द सेंटर ठीक है सेंटर को फेस कर रहे हैं सर्कल में बैठे हुए हैं बना लेते हैं हम वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट आठ लोग हैं सब सर्कल को फेस कर रहे हैं सर्कल के अंदर सेंटर को फेस कर रहे हैं लिखा हुआ है अनुज सिटेड सेकंड राइट ऑफ अमृता अमृता के मान लो अमृता ये है अमृता कहीं बार ही हो सकती है अमृता के सेकंड राइट जब ये अंदर फेस कर रहा सेकंड सेकेंड यहीं पर होगा क्या है अनुज है लिख लिया हमने फिर लिखा हुआ है अनुज अमृता हु इज अ नेबर ऑफ अजय एंड युविका अब जो अमृता है वो नेबर है किसकी अजय युविका की अब अजय युविका यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ यहाँ पर अजय आएगा या फिर यहाँ, यहाँ पर युविका आएगी आगे पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है अनामिका इज नॉट द नेबर ऑफ़ अनुज तो अनामिका जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती हमें क्या बोल दिया गया कि अजय और युविका को ही यहां पर आना है ठीक है उसके बाद आगे पढ़ते हैं अनामिका अनुज के पास नहीं आ सकती ठीक है तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी कि या तो अजय और युविका यहां पर हम लोग दोनों लिख लेते हैं मैं यहां पर दोनों लिख लेती हूँ अनुज और अनुजी सॉरी अजय होना चाहिए अनुज तो हो चुका अजय और युविका लिखना है हमें राइट तो मैंने माना कि यहाँ पर दोनों में लिख, लिख लेती हूँ अजय और युविका और यहाँ पर मैं युविका या फिर अजय इन दोनों में से कोई एक पर्सन होगा ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है कि जो अनामिका है वो अनुज के पास नहीं है इट मीन्स यहाँ पर जो है वो अनामिका नहीं आ सकती अनामिका यहाँ पर नहीं आ सकती बाद में उसे हटा देंगे फिर लिखा हुआ है युविका इज अ नेवर ऑफ़ दिशा अब आप देखो यहाँ से कंफर्म हो गया जो युविका है वो दिशा के पास भी अगर मैं युविका को यहाँ पे लूँ तो दिशा तो मैं हरख नहीं सकती तो कंफर्म हो गया युविका मुझे यहाँ पर ही लेना है युविका ये हो गया इसकी नेवर क्या है दिशा है तो दिशा ये आ गई तो मैं वहाँ से इरेज कर, दे, कर देती इरेज कर देती हूँ अजय यहाँ पर नहीं हो सकता इट मीन ये कन्फर्म है और ये यह युविका यहाँ पर नहीं हो सकती फिर लिखा हुआ है अनूप इज नॉट सिटिंग बिटवीन अनामिका एंड तनिष्का देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो अनूप है वो अनामिका और तनिष्का के बीच में नहीं आ सकता ठीक है जो अनूप है वो अनामिका और तनिष्का के बीच में नहीं आ सकता कौन अनूप ठीक है फिर लिखा हुआ है तनिष्का इज नॉट सिटेड बिटवीन दिशा एंड अनामिका ठीक है अब देखो अगर दिशा यहाँ पर है पहले से चलो मैं सारे लिख लेते हैं पहले हम ठीक है क्या बोला गया कि जो तनिष्का है वो दिशा और अनामिका के बीच में नहीं आ सकती ये भी नहीं आ सकती फिर लिखा है जो तनिष्का है वो अनुज की नेबर नहीं है ठीक है इसका मतलब अनामिका भी नहीं आ सकता और यहाँ पर तनिष्का भी नहीं आ सकता अनुज की नेबर नहीं है अब आप एक बात समझो पहले हम कर लेते हैं डिसाइड तनिष्का की पोजिशन देखो तनिष्का यहाँ पर तो आ नहीं सकती पहले बोला गया कि नहीं आएगी अगर तनिष्का को मैं यहाँ पर ले लूँ तो वो अनामिका और दिशा की नेबर नहीं हो सकती और तनिष्का अनूप की नेबर भी नहीं होनी है तो आप सोचो एक बात नेबर हो सकती है बट अनूप जो है 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 वो अनामिका और इसके बीच में नहीं आ सकता है। ये बात है कि अनूप जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा तो तनिष्का जब यहां पर नहीं आ सकती तनिष्का कहां पर आ सकती है फिर हो सकता है तनिष्का यहां पर मान लो यहां पर अनुष्का है सेट करके देखते हैं अगर तनिष्का यहां पर होती है तो यहाँ पर कौन कौन बचे अनामिका यहाँ पर आ जाएगी अनामिका और अनु क्योंकि यहाँ पर अनामिका आ नहीं सकती आप देखो ये सेट हो गया अनामिका हमने यहाँ पर रखा अगर ठीक है अनामिका तो यहाँ पे कौन बचा अनूप अनूप ये आ गया ये यह तो यहाँ से हट गए अब देखो क्या ये सेट हो रहा है देखो तनिष्का और, तो और अनूप तो हमारे सेट तनिष्का और अनिका अनामिका तो यहाँ पर नहीं आ सकते तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया अनूप रख दिया अनूप ही आ सकता है एक ही बच रहा है अब क्या बोला गया कि अनामिका अनूप और तनिष्का लाइन से नहीं होना चाहिए मतलब अनूप बीच में नहीं आना चाहिए देखो अनूप तो बीच में नहीं आ रहा है इसके तनिष्का और अनुषा बीच में आ रहा है वो ये, ये तो कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई फिर बोला गया कि अनामिका तनिष्का और दिशा अनामिका तनिष्का और दिशा ये भी नहीं है तनिष्का बीच में नहीं है इन दोनों की ये भी ठीक है इट मीन्स ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है और सारे कहाँ फेस कर रहे हैं इन साइड फेस कर रहे हैं फाइन क्वेश्चन पे आ जाते हैं पूछा गया है अनामिका की अपोजिट कौन है देखो अनामिका कहाँ है ये कौन है अपोजिट इसकी अजय डैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे आ जाते हैं पूछा गया है कितने लोग बैठे हैं तनिष्का और युविका के बीच में जब हम तनिष्का के एंटी क्लॉक वाइज काउंट करते हैं तनिष्का और युविका ये है तनिष्का या युविका एंटी क्लॉक वाइज देखो तो ये होता है हमारा क्लॉक वाइज और ये हो जाता है हमारा एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के उल्टी दिशा में तो तनिष्का वन टू युविका तो दो लोग बैठे हुए हैं डेट मीन्स ऑप्शन सी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू फाइन फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है दिशा के थर्ड राइट में कौन है दिशा ये है थर्ड राइट वन टू थ्री कौन है अजय है इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट पे आ जाते हैं पूछा गया अनामिका और दिशा के बीच में कौन बैठा हुआ है अनामिका ये है दिशा ये है कौन बैठा है कोई भी नहीं नो वन दैट मीन्स नो वन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ठीक है फाइन सेवनटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है तो बोला गया है कि स्कूल प्रोग्राम है एक स्कूल प्रोग्राम में बीस लोग पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट एक एक स्टेंडिंग रो में खड़े हुए हैं सारे के सारे जॉय जो है वो थर्ड नंबर पे है मतलब फर्स्ट सेकंड, थर्ड थर्ड पे कौन है जॉय है फिर बोला गया है जो चैंडलर है वो सेवनटीन नंबर पे तो वन टू थ्री और यहाँ पे कितने सेवनटीन नंबर पे कौन है चैंडलर कितने नंबर पे सेवनटीन इससे पहले इसका मतलब कितने लोग होंगे सिक्सटीन लोग होंगे सिक्सटीन लोग होंगे पहले ठीक है लेकिन तीन लोग यहाँ पहले ही हो चुके हैं तो इसके बीच में कितने लोग बचे सेवनटीन होने चाहिए सिक्सटीन लोग टोटल होने चाहिए इससे पहले सेवनटीन तो इसका नंबर है सी का इससे पहले सिक्सटीन लोग होंगे तीन लोग हो चुके हैं तो कितने लोग बचे होने चाहिए यहाँ पर तेरह लोग होने चाहिए पूछ रहे हैं कितने लोग जॉय और चैंडर के बीच में कितने लोग हैं तेरह लोग हैं डेट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फाइन नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर क्या है बस इनक्वलिटी क्वेश्चन हैं। देखो इसको हम कहाँ से करते हैं ज़्यादा कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं एम को जाना है एस के यहाँ एम को जाना है एस के यहाँ देखो एम पहले जाएगा एन के यहाँ जा रहा है फिर एन से जाना है इसको एस के यहाँ लेकिन एन से तो ये जा ही नहीं पाएगा एस के यहाँ देट मीन्स ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ठीक है फिर है एस को जाना है ओके okay यहाँ ठीक है एस गया एन किया बिल्कुल ठीक लेकिन एन उनके ओ क्या जा रहा है नहीं ये तो बंद है यहाँ से इसमें ये भी गलत डेट मीन्स दोनों गलत हो गए डी ऑप्शन सही हो गया ना कंक्लूजन वन नॉट सेकेंड फॉलोज फाइन नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट पूछा गया है एल को जाना है आई के डैश के साथ एल देखो ये है आई का है ये है एल जा रहा है क्या देखो एल गया एच के जा रहा है लेकिन यहाँ पे तो ये बंद हो गया इट मीन्स ये फॉलो नहीं करेगा ठीक है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया है जेड को जाना है ओके यहाँ डैश लगा हुआ हो जेड को जाना है ओके okay यहाँ देखो जा रहा है डैश भी है जा रहा है डैश भी है और ये तो जा रहा है इक्वल है ये फॉलो कर रहा है डेट मीन्स ओनली सेकेंड फॉलोर्स फाइन नेक्स्ट पे आ जाते हैं पूछा गया है डी सॉरी डी नहीं जेड को जाना है डी के यहाँ जेड को जाना है डी जेड ये है डी है तो जेड पहले ए के आ गया जा रहा है डैश भी लगा हुआ है और ए के भी जा रहा है डी के यहाँ डैश और इक्वल है और देखो सेकंड में भी सेम पूछा गया है तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो यही तो बनेगा डी uh, और जेड और ये दोनों ये फॉलो हो रहा है दोनों साइन आ रहे हैं तो यहाँ पर या तो ये फॉलो हो रहा होगा या फिर इक्वल फॉलो हो रहा होगा दोनों दर रखिए हमको तो ये क्या हो जाएगा आयदर वाली कंडीशन है आयदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोअर्स फाइन फिर हमारे पास क्या है एक फैमिली ट्री हमें बनाना पड़ेगा पढ़ते हैं क्वेश्चन देर आर एट मेंबर्स आठ मेंबर्स हैं एक फैमिली में एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सारे मैरिड हैं विच मीन्स देर आर फोर मैरिड कपल जब आठ लोग हैं सारे मैरिड हैं तो चार कपल हो गए और कितनी जनरेशन है तीन जनरेशन बनानी है हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि डब्ल्यू जो वो है वो मदर इन लॉ है एस की ठीक है डब्ल्यू क्या है मदर इन लॉ किसकी S की एस की मदर इन लॉ है हु इज़ a ब्रदर इन लॉ of ऑफ वी जो कि ब्रदर इन लॉ है यहाँ पर मतलब इनकी एक बेटी होगी जब ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी और इनका ब्रदर इन लॉ है तो ये वी होगा कोई वाई इज़ the ओनली सन ऑफ वी जो वाई है वो इनका सन है ओनली सन है ठीक है Whose spouse स्पाउस इज एक्स मतलब वाई की जो पत्नी या पति कोई भी होगा वो एक्स है टी इज़ द ओनली daughter ऑफ यू टी जो है वो डॉटर है किसकी यू की और वी इज द ब्रदर ऑफ टी वी जो है वो भाई है किसका टी का भाई है टी डॉटर है यू की तो यू यहाँ आ जाएगा यू मेल फीमेल होगा ये ये प्लस है तो ये माइनस होगा मतलब प्लस मैंने लगाया है मेल के लिए और मैंने माइनस लगाया है फीमेल के लिए फाइन अब यहां पे कौन सा बचा पर्सन कौन सा बचा मेरे बस जेड बचा जेड क्या हो जाएगा फीमेल पर्सन हो जाएगा राइट क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखो हमारे चार बन गए कपल्स और थ्री जनरेशन वन टू थ्री क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई का सॉरी जेड हाँ वाई का स्पाउस कौन है वाई का स्पाउस कौन है जेड है दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर फिर पूछा गया है वॉट इज द रिलेशन ऑफ डब्लू विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन है डब्ल्यू का देखो वाई के फादर फादर की क्या है ये मदर है तो इसका मतलब पैटर्नल ग्रांड मदर हो गई ठीक है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ठीक है फिर क्या पूछा गया है फिर नेक्स्ट क्या है पजल है पढ़ते हैं ट्वेल्व पीपल बारह लोग हैं जो कि एक जो टू पैरल रोज में बैठे हुए हैं हर रो में सिक्स पर्सन है इन सचा वे इस तरीके से कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं दे आर फेसिंग ईच अदर फाइन इनर रो वन रो वन में पी क्यू आर एस टी वी छः लोग ये हो गए जो कि साउथ फेस कर रहे हैं रो टू में छः लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि पी क्यू आर एस टी और वी सब साउथ फेस कर रहे हैं और ए बी सी डी ई और एफ ये सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं फाइन फिर लिखा हुआ है कि जो ए है वो डी के राइट right में बैठा हुआ है थर्ड राइट right में बना लेते हैं डी का थर्ड राइट वन टू थ्री यहाँ पर ए होगा और ना तो डी ना ही ए जो है वो एक्सट्रीम एंड पर है डेट मीन्स यहाँ पर कोई एक पर्सन होगा यहाँ भी अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये बन गए हमें सिक्स ही बनाने थे तो हमने ऊपर भी लाइंस ड्रॉ कर दी हमें यहाँ यहाँ पर पर्सन को रखना है ये सब साउथ फेस कर रहे हैं ये सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं फिर लिखा है टी फेसिस डी टी डी को फेस कर रहा है टी आ गया यहाँ पर टी और डी फेस कर रहे होंगे वी नाइदर फेसिस ए जो वी है वो ना तो ए को फेस कर रहा है और ना ही वो कहीं एंड पर होता है एंड पर भी नहीं होता है ठीक है फिर लिखा है कि जो बी है वो कहीं एंड पर बैठा हुआ है लिख लेते हैं कि जो बी है वो कहीं ना कहीं एंड पर है फिर लिखा है टू पीपल्स हिट बिटवीन वी एंड ई वी और ई e के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं और जो ई e है वो वी को वो वी को फेस नहीं करता है फिर लिखा है टू पीपल्स हिट बिटवीन आर एंड क्यू आर और क्यू के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं आर इज नॉटर और निवर ऑफ टी आर जो है वो टी का नेबर नहीं है फिर लिखा हुआ है सी डज नॉट फेस वी जो सी है वो वी को फेस नहीं कर रहा है पी जो है वो नेबर नहीं है आर का पी और आर भी नेबर नहीं है वी जो है वो टी का नेबर नहीं है वी जो है वो टी का नेबर नहीं है ठीक है अब देखो हम यहाँ से क्या क्या हम रख सकते हैं सबसे पहले देखो V को देखो V बोला है कि A को फेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया देखो बी किला को बताती हूँ मैं V मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता ठीक है फिर लिखा है V एंड पर रहेंगे तो V यहाँ भी नहीं आ सकता यहाँ भी दो जगह बच रही है वी यहाँ तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा देखो लास्ट से बोला गया था कि वी और टी साथ में नहीं है तो वी यहां पर भी नहीं तो वी की एक कंडीशन है वी हाँ, यहाँ पर ही होगा रख देते हैं वी वी की बन, वी बचा कि की यहां पर ही होगा ठीक है तो ये भी कंडीशन हो गई ये कंडीशन भी हो गई फिर क्या बोला गया है कि आर और टी जो है वो साथ में नहीं है देखो टी यहां पर है तो आर यहां भी नहीं आ सकता यहां भी नहीं आ सकता दो जगह बच रही है आर रखने की आर यहां रख या फिर यहां पे अगर देखो आर और क्यू के बीच में दो स्पेस होने चाहिए अगर मैं आर को यहां पे रखती हूँ तो वन और टू स्पेस के बाद आर मुझे हाँ रखना पड़ेगा जो कि यहाँ पे टी है मतलब मैं यहाँ पे आर को नहीं रख सकती केवल एक कंडीशन बच रही आर रखने की ये दो का गैप और क्यू ये आ गया हमारे पास ठीक है तो ये कंडीशन भी हो गई कंप्लीट ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई फाइन अब देखो क्या बचा हमारे पास अब बचा है क्या देखो पी और आर साथ में नहीं आ सकते तो पी यहाँ नहीं आएगा पी यहाँ पे बचा क्या बचा पी क्यू आर एस एस यहाँ रख दो ये तो कंप्लीट हो गई ये कंडीशन भी रख दी हमने अब बोला गया था कि ई e के सामने जो है वो वी नहीं आ सकता जो वी के सामने ना तो सी आएगा ना ना ही ई e आएगा इट मीन्स ये यहाँ पर ना तो यहाँ पे ई e आ सकता है ना ही यहाँ पर सी आ सकता है अब देखो बोला गया था कि बी जो है वो एंड पर है अगर मैं बी को इस एंड पर लेती हूँ तो B के दो गैप के बाद मुझे E रखना है तो अगर मैं B हाँ लूँ तो वन और टू E तो ई यहाँ पर आ सकता है नहीं E जो है वो V के सामने हो नहीं सकता तो मैं B कहाँ पर रख दूँगी इस वाले एंड पर और दो गैप के बाद मैंने E को रख दिया तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हो गई ये कंडीशन भी कम्प्लीट हो गई अब देखो ई रख दिया ई हटा दो सी यहाँ रखना नहीं है सी को यहाँ रख दो क्या बचा रखने के लिए हमारे पास एफ़ बचा एफ को हम यहाँ पुट कर देंगे सॉल्व हो गई कंडीशन क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड पर कौन कौन बैठा हुआ है बी और ई e एंड पर है नहीं है एस ओ टी नो पी ओर आर हाँ पी आर एंड पर है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फिर बोला गया है कि ए को कौन फेस कर रहा है ए को फेस कर रहा है एस डैट मीन्स ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर फिर पूछा गया है टी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं टी ये है और एस ये है दो लोग बैठे हुए हैं डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है फिर पूछा गया है कि जिस तरह से पी और वी रिलेट कर रहा है पी और वी उसी तरह के से सी और एफ रिलेट कर रहा है ठीक है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट ई रिलेटेड ई किस से रिलेट करेगा फिर ई e रिलेट करेगा बी से है ना दो के गैप पे तो हम रिलेट कर रहे हैं डेट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फाइन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन पे आ जाते हैं पूछा गया है एफ के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है एफ सी का सेकेंड राइट सी का सेकेंड राइट नो एफ़ और ए नेबर नहीं है बिल्कुल ठीक है एफ इज़ नॉट द इमिडियट नेबर ऑफ ए नहीं गलत हो जाएगा ये तो नेबर है तो ये रॉन्ग हो गया ट्रू नहीं है डी के लेफ्ट में डी के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं सी के अलावा तो ये तो रॉन्ग है एफ एंड पर है नहीं एफ वी फेस कर रहे है हाँ तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फिर पूछा गया है द इन नंबर एट सिक्स थ्री टू जो भी नंबर है इससे फर्स्ट नंबर चेंज होता है थर्टीन में देखो थर्टीन नंबर है क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन हाँ मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में फिर सेकेंड वाला हो रहा है ट्वेल्व नंबर मतलब यहाँ पर फिर थर्ड वाला ऐसे चेंज हो रहा है चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा नंबर आ जाएगा सिक्स फोर इसको आप उल्टा लिख दो पूरा अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट को लास्ट पे जाना है फिर सेकंड वाले को सेकंड लास्ट पे जाना है तो मिल्टर रख देते हैं सेवन फाइव वन टू थ्री सिक्स और एट अब कहा गया है थर्ड और एर्ट तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ दस इनका सम कितना होगा वन और फाइव सिक्स सिक्स और टू एट दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तो गाइस यहाँ से थर्टी वन से आगे अभी थर्टी फाइव क्वेश्चन तक हैं जो कि इस पर बेस्ड हैं वर्ड साइट हमें दे रखा है ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और इन इन पाँचों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताने हैं थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री सॉल्व करना है फिर थर्टी फोर करेंगे थर्टी फाइव करेंगे और इन पाँचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने पूरा ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैंने थर्टी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं फाइव क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में सॉल्व करने को दिए हैं ठीक है इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी और ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के नाम से टेलीग्राम पर जाकर आप चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके अलावा आप हमें बताएंगे अगर आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर रहे थे तो आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा और जो मैंने आपको बोला फाइव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फाइन इसके अलावा मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा हम लोग और भी मॉक uh, सॉल्व करेंगे आर के थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे